दर्शन न्यूज। कटिहार के जगन्नाथ मंदिर के समीप प्रशासन बनकर दो लोगों ने एक बाइक सवार से किया लूटपाट। लगभग 12 लाख के आभूषण लेकर हुए चंपत। घटना के बारे में अशोक राय ने बताया कि 3:30 बजे वह विनोदपुर से अपनी दवाई दुकान को बंद कर बरमसिया स्थित घर आ रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर दो लोग सवार होकर उन्हें रुकने का इशारा किए। जब वहां रुके तो हथियार का भय दिखाकर उनसे सोने के आभूषण लूट लिए। लगभग 12 लाख रुपए के आभूषण लेकर दोनों व्यक्ति फरार हो गए। इधर पीड़ित के द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। जब उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन है और मुझे क्यों रोका, जिस पर दोनों लोगों ने कहा कि वह प्रशासन के लोग हैं, वहीं उन दोनों ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले छीना झपटी की घटना हुई है, इसीलिए आप सभी आभूषण खोल दीजिए। उनकी बातों को सुनकर अपने आभूषण खोलने लगे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे सभी आभूषण अपने हाथ में ले लिया। जब इसका विरोध अशोक राय के द्वारा किया गया तो दोनों ने कहा कि ज्यादा बोलोगे तो गोली मार देंगे और यहां से चले जाओ। इसके पश्चात दोनों बाइक सवार सोने के आभूषण लेकर वहां से फरार हो गए। वहीं इस घटना को लेकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, जहां यह घटना पास के ही एक घर में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इधर पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सहायक थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि लगभग 12 लाख रुपए के सोने के आभूषण उन लोगों ने लूट लिया है। कटिहार से रुपेश मिश्रा की रिपोर्ट। विनोदपुर से आ रहे थे, आने के क्रम में जगन्नाथ मंदिर के पास में एक मोटरसाइकिल वाला मुझे आवाज दिया, जैसा उन्होंने कहा तो उसके बाद ओवरटेक करके एक जगह गाड़ी मेरा रोका, रोक के बोला कि आपको आवाज़ दिया, क्यों नहीं रुके आप। तो हम बोले हम सुने नहीं आवाज़, बोला गाड़ी रोकिए। गाड़ी हम रोके, प्रशासन का आदमी सुन के हम गाड़ी रोक दिए। तो बोला कि इधर आइए, साइड में थोड़ा सा गली थी वहाँ पर 4-5 कदम आगे बढ़ाया, बोला इधर आइए। तो हम गए क्योंकि रोड पर थी बात, तो इसलिए हमको डर नहीं लगा। तो बोला कि अभी यहाँ पर डकैती उकैती हुई है तो आप सोना खोलिए सब। तो हमने क्यों बोला सोना खोलिए, जितना बोलते हैं उतना सुनिए। बहुत टेबल में हमसे बात किया। बात करने के बाद जो है फिर ज़बरदस्ती वो हमसे उतरवाया, और जब उतारने लगे तो कुछ चीज़ जो है वो अपने से खोलने लगा। बोला एकदम खड़ा शांत रह के खड़ा रहो, नहीं तो मारते हैं। उसके बाद उतार के लेके भाग गया। क्या क्या लिया वो? मेरा चेन लिया दो, एक रुद्राक्ष का माला था गोल्ड में वो लिया, 6 अंगूठी लिया, हाथ का काड़ा लिया। लगभग कितना कीमत का होगा? लगभग 11 से 12 लाख का होगा। तो उसमें आ रहा है पापा विनोदपुर से आ रहे थे जगन्नाथ मंदिर के आसपास में, उनको एक बाइक वाला आवाज दिया तो बोला कि इतने आप रुकिए साइड में। तो पापा रुक गए, बोला हम प्रशासन का आदमी है, आगे जो है चिंचोड़ी हुआ है, डकैती हुआ है, तो आप जो है अपना सब सोना वोना उतार दीजिए यहाँ पे। तो पापा बोले हम तो सोना नहीं उतारेंगे। तो बोला नहीं उतारना पड़ेगा, ताकि आगे दिक्कत है। तो फिर पापा उतार दिए। पापा उतारने के बाद वो सब सोना अपने हाथ में लिया। उसके बाद बोला कि आप निकल जाइए यहाँ से शांति से, नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद वो सब सोना को अपना पॉकेट में या बैग में रखा, उसके बाद वो लेके निकल गया। कितने लोग थे बोले? उन लोग 2 आदमी थे। 2 लोग। हाँ, लगभग कितना का सोना होगा? सोना लगभग 12-13 लाख रुपया का होगा सोना। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार राय है। थाना में दिया आवेदन? थाना में आवेदन दे दिया है। किस जगह घटना घटी? घटना जगन्नाथ मंदिर के पास घटा। क्या मांग है? मांग यही करते हैं प्रशासन से कि जो भी सामान का क्षति हुआ है उसका वो मिल जाए और जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, बस इतना ही प्रशासन से मांग है। मेन रोड पर गाड़ी लगाया, वो हरे राम सिंह टीटी के बगल में कॉर्नर पर, बोला इधर आ जाइए थोड़ा सा रोड पर से। तो साइड हो गए, साइड होने के बाद बोला कि क्या आपको कमर और कमर के नीचे दोनों या एक पैर में दर्द या झिनझिनाहट रहता है या नसों में होती है दर्द, तो आपको साइटिका हो सकता है। अब पाएं सटीक इलाज, जल्द संपर्क करें सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम पुष्ट बरेजा, थाना माझी, जिला सारण, बिहार, या अभी संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9931252609।